हम शक्तिमान प्रभु के सानिध्य में बैठे हैं. The one who called us, who brought us here, who cleansed us by his word, and who washed us with his blood, and who gave us his Holy Spirit. We are standing before him. जिन्होंने हमें अपना वचन दिया, हमें अपना पवित्र लहू देकर उसे शुद्ध किया, हम उसी के सामने खड़े हैं. We came with a burden in our heart, the full of sorrow, sad, depression, anger, hatred, but now filled with the joy of the Holy Spirit, filled with the peace of the Lord, we are leaving this place. हम आए तब मन में नफरत, गुस्सा, दबाव, तनाव, बैर, विद्वेष लेकर आए थे, लेकिन अब जब जा रहे हैं तो पवित्र आत्मा को और उनके आनंद को साथ में लेकर जा रहे हैं. Now you are a new creation. आप अभी एक नई सृष्टि हैं. Yes, I am a new creation now. हाँ, मैं अब एक नई सृष्टि हूँ. He touched my life. उन्होंने मेरे जीवन को छुआ है. He changed my heart. उन्होंने मेरा मन परिवर्तन किया है. He gave me a new birth experience. उन्होंने एक नए जन्म का अनुभव मुझको दिया. Now I am born again in spirit. प्रभु, मैं पवित्र आत्मा में एक नया सृष्टि बन गया हूँ. I am born again from up above. मैं अब स्वर्ग से मेरा जन्म हो गया है. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू प्रभु. थैंक यू माय फादर. थैंक यू प्रभु. थैंक यू माय जीसस. धन्यवाद प्रभु. थैंक यू होली स्पिरिट. धन्यवाद पवित्र आत्मा. थैंक यू होली स्पिरिट फॉर कमिंग इनटू माय हार्ट. पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में आने के लिए धन्यवाद. एंड मेकिंग माय लाइफ होली. मेरे जीवन को पवित्र बनाने के लिए धन्यवाद. मेकिंग माय बॉडी होली. मेरे शरीर को पवित्र बनाने के लिए धन्यवाद. आई सरेंडर मायसेल्फ बिफोर यू. मैं अपने आप को ही आपके सामने समर्पित करता हूं. दिस डे डेडिकेटेड फॉर मदर मेरी. दिस सैटरडे आई एम डेडिकेटिंग मायसेल्फ टू द इमैकुलेट हार्ट ऑफ मदर मेरी. शनिवार का दिन माँ मेरी को समर्पित है. मैं माँ मेरी के निर्मल हृदय के द्वारा अपने आप को समर्पित करता हूँ. यही वो दिन है जो जिसमें मुझे अनेक आशीष माँ मेरी के निर्मल हृदय द्वारा स्वर्ग से मिलता है. And remember, every Saturday is dedicated for Mother Mary. हर शनिवार माँ मेरी को समर्पित है. The more you love her, the more you get blessings from heaven through Mary. जितना आप माँ मेरी को प्यार करेंगे, उतना ही उनके द्वारा स्वर्ग से आपको आशीषें मिलेंगी. Let us ask Mother Mary to do, to perform miracles in our life. माँ मेरी से हम कहें कि हमारे जीवन में अनेक चमत्कार करें. Give us the grace to miracles, to see miracles happening in our life in all over this days of this month. हमें कृपा मिले इस महीने में, ताकि हम हमारे जीवन में अनेक चमत्कार देख सकें. Oh dear Mother, you are the Queen of Heaven. माँ मेरी, आप स्वर्ग की रानी हैं. You are the Queen of the angels and saints. आप देवदूतों की और संतों की रानी हैं. You are the Queen of this earth. आप इस भूमि की रानी. You are the Queen of this universe. आप इस सृष्टि की रानी हैं. We declare that Mother Mary is the Queen of this universe. हम घोषणा करते हैं कि माँ मेरी इस सृष्टि की रानी है. And Jesus is the King of this universe. और यीशु इस सृष्टि के राजा हैं. Every knee should bow in heaven, on earth, and under the earth. At the name of Jesus Christ. यीशु के पवित्र नाम में, स्वर्ग में, पृथ्वी में सभी घुटने टिक जाने चाहिए. And every power of darkness should surrender at the feet of Mother Mary by the name of Jesus Christ. सब पाप की शक्तियों का घुटना माँ मेरी के सामने टिक जाना चाहिए. The word declares that the name of Jesus is the name above all names. पवित्र वचन कहता है यीशु का नाम सभी नामों के ऊपर है. And today we declare that the name of Mary is the name above all names, after the name of Jesus Christ of Nazareth. और आज हम घोषणा करते हैं, यीशु के नाम के बाद माँ मेरी का नाम ही सबसे ऊपर है. We glorify the name of Mother Mary. हाँ, माँ मेरी के नाम की का गौरव करते हैं. We glorify the mighty name of Mother Mary. हाँ, माँ मेरी के नाम की महिमा करते हैं. The Queen of Heaven, we glorify you. स्वर्ग की रानी, हम आपका गौरव करते हैं. We praise you. हम आपकी स्तुति करते हैं. We thank you. हम आपको धन्यवाद देते हैं. We love you. हम आपसे प्यार करते हैं. You are our mother. आप हमारी माँ हैं. You are my mother. आप मेरी माँ हैं. I am your child. मैं आपका बच्चा हूँ. We are your children. हम आपके बच्चे हैं. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. धन्य मरिया. 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 Oh hallelujah, lift your hands to heaven. Praise the Lord. Hallelujah. We praise you, Father in heaven. We adore you, Father. We worship you, Jesus.
Hallelujah, 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 hallelujah. Every time when we say Hail Mary full of grace, we are washing us with the word. The word is sanctifying us. We are glorifying Mary. We are getting the power of the Holy Spirit. It's very, very powerful prayer, Hail Mary full of grace. So every time with faith we have to repeat, we have to say that, we have to glorify Mary. प्रणाम कुमारी मरिया, ये जो प्रार्थना है बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है। इसके द्वारा हमारा शुद्धिकरण होता है, हम यीशु के करीब आ सकते हैं और हमारे प्रार्थनाओं की सुनवाई होती है। इसलिए रोज़ आप इस प्रार्थना को दोहरा दोहरा के विश्वास के साथ में इसको प्रार्थना अर्पित कीजिए। The more you say Hail Mary full of grace, the more you get the power of the Holy Spirit. जितने ज़्यादा आप प्रणाम कुमारी मरिया की ये प्रार्थना करेंगे, उतना ज़्यादा आपको पवित्र आत्मा की शक्ति मिलेगी। The more you say that prayer, Hail Mary full of grace, the more you get sanctified. जितना ज़्यादा आप ये प्रार्थना करते हैं, उतनी ज़्यादा ही आपके शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती जाती है। Hallelujah. 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 The book of Matthew 16:15 onwards, the second goes in. He said to them, But who do you say that I am? Simon Peter answered, You are the Messiah, the Son of the living God. संत मत्ती का सुसमाचार 16वां अध्याय 15वें वचन के आगे, इसके आगे यीशु ने दूसरा सवाल उनसे किया कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पेत्रोस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत परमेश्वर के पुत्र हैं। Hallelujah. Hallelujah. The first question was, who do the people say? पहला सवाल था कि लोगों की मेरे बारे में क्या राय है। The second question is, who do you say? दूसरा सवाल है, तुम्हारा मेरे बारे में क्या राय? Immediately, Simon Peter, he answered, "You are the Messiah, the Son of the Living God." और तुरंत सिमोन पेत्रोस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत परमेश्वर के पुत्र हैं। Hallelujah. Hallelujah. See, other disciples, they have not answered. We do not know the reason, but immediately Simon Peter replied, "You are the Messiah. You are the Son of the Living God." दूसरे शिष्यों ने जवाब क्यों नहीं दिया हम नहीं जानते, लेकिन सिमोन पेत्रोस ने तुरंत उत्तर दिया कि आप ही मसीह हैं, जीवन परमेश्वर के पुत्र हैं। Simon Peter recognized Jesus Christ. He came to know that he is from God and he is the Son of the Living God. सिमोन पेत्रोस ने यीशु को पहचान लिया, उसने समझ लिया कि ये परमेश्वर की तरफ से आए हैं और जीवन परमेश्वर के पुत्र हैं। And when Simon answered this, Jesus said to him, Jesus answered him, Blessed are you, Simon, son of Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father in heaven. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church. And the gates of Hades will not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. And whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you loose on earth will be loosed in heaven. यीशु ने तुरंत सिमोन से कहा, सिमोन, योना के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह रहस्य प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पतरस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊँगा, और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं हो पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ प्रदान करता हूँ। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधा रहेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुला रहेगा। Hallelujah. 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 See, when Peter proclaimed this truth that Jesus, you are the Son of God, immediately Jesus says that this is revealed to you by my Heavenly Father through the Holy Spirit. The Holy Spirit has revealed this truth to Peter that Jesus is from God, he is the Son of God. पीटर ने इस बात के इस सत्य की घोषणा की तो यीशु ने कहा कि ये मनुष्य का रक्त या मांस से नहीं ये रहस्य उद्घाटन हुआ है, बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने पवित्र आत्मा के द्वारा इस रहस्य को तुम पर खोला है। And you say that I will build my church on this rock.
और यीशु ने कहा है, मैं इस चट्टान के ऊपर जिसका नाम पत्रस है अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। That means I will change you, I will make you as a rock and I will build my church on this rock। इसका मतलब है मैं तुमको चट्टान के रूप में बदल दूंगा और इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। I will make you as a rock means that I will make you powerful, I will make you strong, that is the meaning। चट्टान के रूप में बदल देने का मतलब है मैं तुमको मजबूत और दृढ़ बनाऊंगा। And Peter, after receiving the Holy Spirit on the day of Pentecost, he became so powerful. He became as a rock of Jesus Christ. And the church was built on that rock. पेंटेकोस्ट के दिन यही पीटर इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने यीशु के बारे में, उनके वचनों के बारे में घोषणा की और इसी पर यीशु ने अपनी कलीसिया को स्थापित किया है। The second promise given to Peter is that, and the gates of Hades will not prevail against it. और दूसरा वादा पेत्रस के साथ में यीशु ने ये किया है कि अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं हो पाएंगे। Gates of Hades means Hades is the Greek word for hell. Sheol, Hades, hell. Lord says that the gates of Hades will not prevail against it. That means the power of hell will not prevail against you, will not attack you. I will protect you because you are my rock. हेड्स जो शब्द है वो अधोलोक के लिए ग्रीक में इस्तेमाल किया है। शियोल, हेड्स और हेल, ये सब अधोलोक के अलग अलग नाम हैं। और परमेश्वर ने कहा है ये पेत्रस से कि अधोलोक की कोई भी शक्ति तुम्हारे सामने प्रबल नहीं हो पाएगी। पीटर रिकॉग्नाइज्ड जीसस क्राइस्ट एज द सन ऑफ गॉड, ही प्रोक्लेम्ड द ट्रुथ। व्हाइल ही प्रोक्लेम्ड द ट्रुथ, जीसस सेड दैट You are the rock. I am going to make you as the rock and I will build my church. I will give you power. I will give you authority. See, everything is given to Peter. संत पीटर ने जब यीशु के सामने सत्य की घोषणा की तो यीशु ने उसको चट्टान के रूप में बदल दिया, उस पर अपनी कलीसिया को स्थापित किया, उनको अपना अधिकार भी दिया कि अंधकार की शक्तियां इन पर प्रबल नहीं होंगी। If you are powerful, If you are the rock, I will not allow the power of death, the power of hell to come against you. यदि आप शक्तिशाली हैं और प्रभु में आप दृढ़ हैं तो ये शक्ति भी आपको मिलेगी कि अधोलोक की कोई शक्तियां आपके ऊपर प्रबल नहीं होंगी। Verse 19, I will give you the keys of the kingdom of heaven. वचन 19वां इसमें कहा गया है मैं तुम्हें स्वर्ग के राज की कुंजियां प्रदान करूंगा। I will give you the keys of the kingdom of heaven. मैं तुम्हें स्वर्ग के राज की कुंजियां प्रदान करूंगा। You know, keys are used to open and to lock. आप जानते हैं कि कुंजियों का उपयोग ताला खोलने और बंद करने के लिए किया जाता है। I will give you the keys of the kingdom of heaven, not the keys of heaven, the kingdom of heaven. यहाँ पर यीशु कहते हैं स्वर्ग का नहीं बल्कि स्वर्ग के राज्य की कुंजियां मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। Bible we read about the kingdom of heaven, kingdom of God and heaven, all are different. जब हम आगे पढ़ते हैं कि स्वर्ग, स्वर्ग का राज्य, ये सब अलग अलग हैं। Here he just says that, I'll give you the keys of the kingdom of heaven. यीशु कहते हैं कि स्वर्ग के राज्य की कुंजियां मैं तुम्हें दूंगा। That means I will give you power and authority to open the secrets the kingdom of heaven. इसका मतलब है स्वर्ग के राज्य के रहस्य को खोलने के लिए मैं स्वर्ग के राज्य की कुंजियां तुम्हें दूंगा। The secrets of the kingdom of heaven are hidden in the word of God. स्वर्ग के राज्य के रहस्य प्रभु के पवित्र वचनों में छुपे हुए हैं। That means that he says that I will give you the grace to understand the secrets, the meanings in the word of God. इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें वो कृपा दूंगा कि प्रभु के वचनों में छुपे हुए रहस्य को तुम सही ढंग से समझ जाओ। And I will give you the power to bind and to loose. मैं तुम्हें बांधने और खोलने का अधिकार भी दूंगा। Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loose in heaven. जो तुम धरती पर बांधोगे वो स्वर्ग में भी बंधा जाएगा, जो तुम धरती पर खोलोगे वो स्वर्ग में भी खोला जाएगा। Hallelujah. 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 See, when Peter said one thing, Jesus promises all these blessings.
देखिए कि ये जब पीतर ने पहला एक केवल एक सत्य की घोषणा की और उसके साथ में प्रभु परमेश्वर ने कितने सारे वादे उनके साथ कर लिए। By recognizing Jesus Christ as Son of God, he proclaimed the truth. Immediately Jesus answered by giving all these promises. I will make you as a rock. I will not allow the devil to attack you. I will give you mighty protection. I will give you the keys of the kingdom of heaven. I will give you the power to bind and to loose. Everything is given to Peter when he recognized and proclaimed it. पत्रस ने केवल एक सत्य की घोषणा की कि यीशु जीवंत परमेश्वर के पुत्र हैं। इस रहस्य उद्घाटन के साथ में ही यीशु ने उनको चट्टान के रूप में बदल दिया है, कलीसिया उन पर स्थापित की है और अधोलोक के शक्तियां उन पर प्रबल नहीं होगी इसका वादा किया है, स्वर्ग के राज्य की कुंजियां उनके हाथ में थमा दी हैं। हालेलुया। टुडे थ्रू दिस वर्ड जीसस इज गिविंग दिस प्रॉमिसेस टू अस, to me and to you. If you recognize me, if you approve me, if you proclaim the truth that I am from God, and if you have to believe it in your heart that I am the Son of God and the only Savior, I will make you as the rock. As a rock I will make you. I will make you strong and powerful. I will give you the power of the Holy Spirit. I will give you power and authority. I will give you the keys of kingdom of heaven to open the secrets in the kingdom of the word of God, and I will give you the power and authority to bind and to loose. Whatever you bind on earth will be bound on in heaven. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven. See, all these promises are today given to us if we keep the word, if we obey the word, and we proclaim the truth. If you believe in your heart that Christ is from God and he is the only Savior. पत्रस के द्वारा ये सारे वादे यीशु ने हमारे और आपके साथ में किया है। यदि हम यीशु को, वो वही है सच्चा परमेश्वर है, वही परमेश्वर का पुत्र है, इस बात की हम घोषणा करते हैं तो प्रभु भी हमें चट्टान की तरह मजबूत बनाएंगे। प्रभु की शक्ति हमको मिलेगी, अधोलोक की शक्तियों का प्रभाव हम पर नहीं होगा और स्वर्ग के राज्य के जानने की रहस्य की बातें हम पर भी प्रभु परमेश्वर प्रकट करेंगे। धरती पर हम जो बांधेंगे वो स्वर्ग पर भी बंधा रहेगा, धरती पर जो हम खोलेंगे वो स्वर्ग में भी खोला जाएगा। Acts chapter 4 verse 12. There is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among mortals by which we must be saved. Will you please lift up your right hand? Say this after me. There is salvation in no one else. For there is no other name under heaven given among mortals by which we must be saved. Only one name is given for our salvation. That is the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Hallelujah. प्रेरितों के कार्य अध्याय 4 वचन 12, इसमें कहा गया है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मुक्ति नहीं है, क्योंकि समस्त संसार में मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। इस वचन को हम साथ एक साथ मिलकर घोषणा करेंगे, मेरे साथ दोहराइए, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं है क्योंकि समस्त संसार में मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। Hallelujah. So we have to believe in our heart that there is only one name given for our salvation, for the salvation of every human being, saved only through the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Hallelujah.
इसीलिए मन में आप विश्वास कीजिए कि समस्त मनुष्य जाति में हर मनुष्य को मुक्ति के लिए, रक्षा के लिए स्वर्ग के नीचे केवल एक ही नाम दिया है, वो है यीशु क्रिस्त का नाम। हालेलुया 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 हालेलुया। बुक ऑफ एक्ट्स 10:42-43 हियर वी रीड, ही कमांडेड अस टू प्रीच टू द पीपल एंड टू टेस्टिफाई दैट He is the one ordained by God as judge of the living and the dead. प्रेरितों के कार्य अध्याय 10 42वां और 43वां वचन, इसमें कहा गया है और उन्होंने हमें आदेश दिया कि हम जनता को उपदेश देकर घोषित करें और स्पष्ट साक्षी दें कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मृतकों का न्यायकर्ता नियुक्त किया है। The word declares that Jesus is the judge of the living and the dead. वचन कहता है कि यीशु ही जीवितों और मृतकों के न्यायकर्ता नियुक्त किए गए हैं। हालेलुया हालेलुया। The word clearly says that only through Christ the dead will be saved. वचन कहता है कि केवल क्रिस्त के द्वारा ही मृतकों को रक्षा मिल सकती है। Whatever the religion may be, they will be saved only through Jesus Christ of Nazareth. चाहे धर्म कोई भी हो, लेकिन हर व्यक्ति केवल यीशु नाजरीन के यीशु के द्वारा ही रक्षा पा सकते हैं। Not only the living, but also the dead, the spirits of the dead. If they want salvation, they have to accept Jesus Christ as their Lord and God. केवल जीवित व्यक्ति ही नहीं, बल्कि मृतकों की वो आत्माएं भी जो अभी भी बंदी हुई हैं, उनको यीशु के स्वीकार करने के द्वारा ही वो मुक्ति पा सकती हैं। So we have to preach this truth that there is salvation in the name of Jesus Christ. केवल हमको विश्वास करना है कि यीशु क्रिस्त के पवित्र नाम में ही रक्षा है, तब ही हम इन बातों को समझ सकते हैं। Hallelujah. 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 Romans 10:14 says, But how are they to call on one in whom they have not believed? And how are they to believe in one of whom they have never heard? And how are they to hear without someone to proclaim him? And how are they to proclaim him unless they are sent? As it is written, How beautiful are the feet of those who bring good news. But not all have obeyed the good news. For Isaiah says, Lord, who has believed our message? So faith comes from what is heard, and what is heard comes through the word of Christ. रोमियों के नाम संत पॉल का पत्र 10वां अध्याय 14वें वचन के आगे, परंतु यदि लोगों को उसमें विश्वास नहीं तो वे उसकी दुहाई कैसे दे सकते हैं? यदि उन्होंने उसके विषय में कभी सुना नहीं तो उस पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? यदि कोई प्रचारक न हो तो वे उसके विषय में कैसे सुन सकते हैं? और यदि वह भेजा नहीं जाए तो कोई प्रचारक कैसे बन सकता है? धर्म ग्रंथ में लिखा है, कल्याण का शुभ समाचार सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर लगते हैं, किंतु सबने शुभ समाचार का स्वागत नहीं किया। नबी यशाह कहते हैं, प्रभु किसने हमारे संदेश पर विश्वास किया है? इस प्रकार हम देखते हैं कि संदेश सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुनाया जाता है वह मसीह का वचन है। Romans 10:11 says, The scripture says, No one who believes in him will be put to shame, for there is no distinction between Jew and Greek. The same Lord is Lord of all, and is generous to all who call on him. For everyone who calls on the name of the Lord shall be saved. रोमियों के नाम संत पॉल का पत्र 10वां अध्याय 11वें वचन के आगे, धर्म ग्रंथ कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। इसीलिए यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं है, सबका प्रभु एक ही है। वह उन सब के प्रति उदार है जो उसकी दुहाई देते हैं, क्योंकि जो कोई प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया हालेलुया। नो वन हु बिलीव्स इन हिम विल बी Put to shame. It is a declaration.
That means everyone who believes in the name of Jesus Christ will be saved. Hallelujah. Hallelujah. And again verse 13 says, for everyone who calls on the name of the Lord shall be saved. Hallelujah. Hallelujah. So everyone, they have to believe that Jesus Christ is a savior. We want them to believe, they should be allowed to hear this good news. That is what 14 verse 14 says, but how are they to call on one in whom they have not believed? And how are they to believe in one of whom they have never heard? And how are they to hear without someone to proclaim him? And how are they to proclaim him unless they are sent? Dharm Granth kehta hai, जिसने भी उस पर विश्वास किया उन्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा, अर्थात उनको रक्षा मिलेगी। प्रभु परमेश्वर सभी के प्रति उदार हैं। 14वां वचन यहाँ पे कहा गया है कि परंतु लोगों को उस पर विश्वास नहीं तो वे उस पर दुहाई कैसे दे सकते हैं? यदि उन्होंने उसके विषय में कभी सुना नहीं तो उस पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? यदि कोई प्रचारक न हो तो वे उसके विषय में कैसे सुन सकते हैं? और यदि वह भेजा नहीं जाए तो कोई प्रचारक कैसे बन सकता है? So faith comes from what is heard, and what is heard comes through the word of Christ. और 17वां वचन ये कहता है, इस प्रकार हम यह देखते हैं, संदेश सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुनाया जाता है वह मसीह का वचन है। Hallelujah. Hallelujah. So when the word is preached, it will be heard. When it is heard, it gives faith. When you have the faith, you start to call upon the name of the Lord and you will be saved. This in such a way, God is saving the living and the dead. इससे हम ये देख सकते हैं कि जब प्रभु का संदेश सुनाया जाता है, सुनते सुनते विश्वास उत्पन्न होता है, वो प्रभु के वचन में विश्वास उत्पन्न होता है, और जो मृतक इनको सुनते हैं उनके लिए रक्षा है।